कैसे हो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक का जो वीडियो का वॉच आइकन आता है ना, वही जो जिसे कोई वीडियो बोलता है कोई वॉच का आइकन बोलता है, तो ये वीडियो का आइकन दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्या प्रॉब्लम है? आज यहाँ पर मैं 100% आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वीडियो को पूरा देखना होगा और बिना स्किप किए हुए यहाँ पर जो भी बताएंगे सही बताएंगे। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया फिर आप मेरे को मत बोलिएगा कि भाई आपने ये नहीं बताया। तो मैं देखो यहाँ पर पूरा फुल डिटेल के साथ बता रहा हूँ, तो आपका भी कर्तव्य है कि एक जो है ना सब्सक्राइब कर देना भाई। एक सब्सक्राइब कर दोगे क्योंकि आपको सही जानकारी दे रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और पसंद आएगा तो। देखो सबसे पहले चलते हैं वीडियो यहाँ पर फेसबुक के आइकन पे। यहाँ पर देखो मैं आपको 2 से 4 स्टेप बताऊँगा यहाँ पर। अब इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ पर 3 से 4 स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है भाई। वीडियो को स्किप मत करना, मैं जो भी बताऊँगा ना सही बताऊँगा। तो ये देखो फेसबुक पे जाना है और यहाँ पर देखना है आपका अपडेट है या नहीं है। तो भाई आपका अपडेट है, जैसे कि मेरा अपडेट है फिर भी नहीं आ रहा। तो भाई देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फिर भी शो नहीं कर रहा है। देखो मैं कितनी बार रिफ्रेश कर दूँ ना फिर भी नहीं आएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले बीच से कट करना है। यहाँ पर देखो इस पर होल्ड करके रखना है, जैसे इस पर होल्ड करके रखोगे तो ऐड इन्फॉर्मेशन आएगा। बाकी आप सेटिंग में जाकर आप देख सकते हो कि आपका कहाँ से खुलता है, क्योंकि अब जो सिस्टम आ चुका है ना इस पर होल्ड करके रखना है, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है। आप जैसे इस पर जाओगे उसके बाद यहाँ पर आएगा क्लियर डाटा, यहाँ पर क्लियर डाटा कर देना है और उसके बाद यहाँ पर 4th स्टेप पर क्लिक कर देना है। एक बार इसके करने के बाद भी भाई नहीं आ रहा ना, तो लास्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ, इसमें ना मैं लिख के देता हूँ 1000%, 1000% आएगा। नहीं आएगा ना तो फिर मेरे को आप बोल देना कि भाई नहीं है। भाई थोड़ी सी माइक में प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए नॉइस हो सकता आ जाए, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ तो आप लोग सुनने का कष्ट करेंगे, क्योंकि आप फालतू के बातों पे ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर सिर्फ वीडियो पे जो मैं लिख रहा हूँ या कर रहा हूँ आप उसे समझिए। तो यहाँ पर देखो फेसबुक पर क्लिक करना है, यहाँ पर तो नहीं आ रहा है ना। तो अब सबसे पहले करना क्या है, अब यहाँ पर गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपनी सेटिंग में जाना है। भाई सेटिंग कहाँ से ओपन होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका प्रोफाइल दिख जाएगा। अपने प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, नीचे सेलेक्ट करते हुए आना, तो नीचे सेलेक्ट करते हुए आएगा, यहाँ पर सेटिंग प्राइवेसी दिखेगा भाई, इस पर क्लिक कर देना। भाई इस पर क्लिक करते हुए फिर नीचे आना है थोड़ा सा, यहाँ पर एक सेटिंग का आइकन और दिखेगा, आपको इस पर फिर क्लिक कर देना। भाई देखो सबसे पहले वीडियो देख रहे हो ना, सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक, भाई कितना याद दिला दूँ, सब्सक्राइब कर लो। और देखो यहाँ पर एक नेविगेशन बार दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो नेविगेशन बार दिख रहा है ना, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कस्टमाइज का ऑप्शन दिख जाएगा, कस्टमाइज का आपको इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, जैसे इसको खोलेंगे यहाँ पर शॉर्टकट दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट का आइकन दिखता है या नहीं दिखता है, ग्रुप, यहाँ पर प्रोफाइल, गेमिंग, ये सारे ऑटो है। यहाँ पर हिडन शॉर्टकट है जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे ऑटो रहता है ना तो ऑटोमेटिक ये हाइड हो जाता है, या फिर आपका यहाँ पर ऑटो में होगा, यहाँ पर ऑटो बीच में होगा, तो इनको ऑटो में नहीं रखना, इनको पिन कर देना। पिन का मतलब आप समझ सकते हो, पिन जैसे करोगे ऊपर में ऐड हो जाएगा, बैक करना है फिर से। अब यहाँ पर आप बोलेंगे भाई नहीं आ रहा, तो करना कुछ नहीं, इस पर क्लिक करो ऐसे और यहाँ से हटा दो इसको, यहाँ से हटा दो। यहाँ से मैंने हटा दिया, मैं आपके सामने जो कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से फेसबुक पे क्लिक कर देना, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर शो कर रहा है ना। आप लोग देखो वीडियो को थोड़ा सा स्किप बैक करके देख सकते हो। अब देखो अभी भागना नहीं है, बिल्कुल भागना नहीं है, वीडियो देख लिए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। अब देखो क्या होता है, कभी कभार हट जाता है, तो एक सेटिंग और बता दो आपको, जैसे इस पर क्लिक करते हो और यहाँ पर सेटिंग प्राइवेसी भी क्लिक करते हो, फिर यहाँ पर सेटिंग आते हो और नेविगेशन बार पर जैसे क्लिक करते हो, ये रहा यहाँ पर देख सकते हो ये रहा, तो ये पिन का आइकन है, जिसको पिन करेंगे वही आएगा कस्टमाइज द बार, इस पर फिर क्लिक कर रहे हैं। अब देखो ऊपर में ही शो कर रहा है पिन है ना, ये होता क्या, ये आप लोगों में अभी जो अपडेट आया है ना उसमें ऑटो रहता है, तो ऑटो पे कभी नहीं रहना चाहिए, आप पिन कर दोगे तो आपके डिस्प्ले पे वहाँ पर शो करेगा। और बाकी का देख सकते हो, जैसे कि अभी यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट है, ये सारे ऑटो है, मतलब कभी आएगा कभी हट जाएगा, वो नेटवर्क के सर्वर की वजह से हो सकता है, बट ये सर्वर जब सही होगा तो फिर ऑटोमेटिक आ सकता है। आप लोग घबरा जाते हो, ये प्रॉब्लम नहीं है बड़ी बात, ये सर्वर की वजह से होता है,
तो ये कभी आएगा कभी नहीं आएगा, ये ऑटो रहता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेंगे। ये छोटी मोटी बातें हैं, जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं दिख रहा है, वहाँ से ऑटो है, सर्वर सही होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आइकन दिखता है ना यहाँ पर जो था, बट ये अभी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि अभी जो है यहाँ पर ऑटो है, सर्वर सही होगा, नेटवर्क सही होगा, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, सारे सेम हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा ना तो एक सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें, वहाँ पर बहुत सारे ऑफर आ रहा है। धन्यवाद। जय।